हिंदुओं के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर जिस तरह से सुनियोजित हमले इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतें बांग्लादेश में कर रही हैं, ये बहुत ही शर्मनाक और खतरनाक है। भारत को चौकन्ना रहना पड़ेगा और पूरी ताकत के साथ अपने अल्पसंख्यक हिंदू भाइयों के साथ पूरे देश को खड़ा होना पड़ेगा। किसी भी तरह से कोई बड़ी दुर्घटना ना हो, इसके लिए कूटनीतिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर भारत को प्रयास करने पड़ेंगे। भारत का पक्ष और विपक्ष एक साथ इस मुद्दे पर खड़ा हुआ है और किसी भी हम बुरी से बुरी परिस्थिति का सामना करने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। जब हमने बांग्लादेश को जन्म दिया, जब हम बांग्लादेश बना सकते हैं, तो वहां पर रहने वाले अपने हिंदू भाइयों की रक्षा करने में भी पूर्ण तरह से समर्थ हैं। भारत के सामर्थ्य को हमें दिखाना होगा, जिससे कि वहां पर रहने वाले हिंदुओं की तरफ कोई आंख ना उठा सके। भारत के प्रधानमंत्री वो एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं और हिंदुओं की रक्षा कैसे करनी होती है उसको वो जानते हैं और उन्होंने की है। हिंदुओं के घरों, हिंदू मंदिरों और हिंदुओं के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर जिस तरह से सुनियोजित हमले इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतें बांग्लादेश में कर रही हैं, ये बहुत ही शर्मनाक और खतरनाक है। और मुझे तो आशंका है आगे वहां पर जो हमारे अल्पसंख्यक हिंदू भाई हैं उनकी माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू पर बात ना आ जाए, इसके लिए भारत को चौकन्ना रहना पड़ेगा और पूरी ताकत के साथ अपने अल्पसंख्यक हिंदू भाइयों के साथ पूरे देश को खड़ा होना पड़ेगा। किसी भी तरह से कोई बड़ी दुर्घटना ना हो, इसके लिए कूटनीतिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर भारत को प्रयास करने पड़ेंगे। और मैं आश्वस्त हूं कि इस समय भारत के प्रधानमंत्री जो बहुत ही तेजस्वी हैं, यशस्वी हैं और पूरा हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा हुआ है। पहली मर्तबा मैं देख रहा हूं बहुत वर्षों के बाद, करीब 2-3 दशकों के बाद, कि भारत का पक्ष और विपक्ष एक साथ इस मुद्दे पर खड़ा हुआ है और किसी भी हम बुरी से बुरी परिस्थिति का सामना करने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा और जरूरत पड़ने पर भारत को हस्तक्षेप भी यदि करना पड़े तो भी। जब हमने बांग्लादेश को जन्म दिया, जब हम बांग्लादेश बना सकते हैं, तो वहां पर रहने वाले अपने हिंदू भाइयों की रक्षा करने में भी पूर्ण तरह से समर्थ हैं और इस भारत के सामर्थ्य को हमें दिखाना होगा, जिससे कि वहां पर रहने वाले हिंदुओं की तरफ कोई आंख ना उठा सके। और दुर्भाग्यपूर्ण तो यह है कि जिस तरह की दुर्घटना और जिस तरह का विद्रोह, बगावत बांग्लादेश में, ऐसे ही बगावत हिंदुस्तान में हो जाए, ऐसे कुछ राजनीतिक लोग, कुछ ऐसे सोशल टेररिस्ट, कुछ रिलीजियस टेररिस्ट, कुछ ऐसे यूट्यूबर्स मंसूबे पाले बैठे हैं कि भारत में भी जाति के नाम पर, आरक्षण के नाम पर, संविधान के नाम पर वर्ग भेद और अलग अलग मजहबी उन्माद ऐसे पैदा कर दिए जाए कि भारत की एकता, अखंडता और समृद्धता खतरे में पड़ जाए और बांग्लादेश जैसी एक बगावत की स्थिति हिंदुस्तान में पैदा हो जाए। ऐसे जो मनसूबे पाल करके बैठे हैं, ऐसे जो लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं और देश के सड़कों से लेकर के संसद तक में जो इस तरह के विघटनकारी, जो कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों को हमें सख्ती के साथ रुकना पड़ेगा। पूरी दुनिया में जैसे यहूदी लोगों पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि पूरी दुनिया के यहूदी एक है, ताकतवर है, ऐसे ही पूरे हिंदुस्तान के 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं को एकजुट रहना होगा और साथ ही साथ इतना ताकतवर बनना पड़ेगा। जब मुट्ठी भर यहूदी लोग ताकतवर होकर के और यूनाइट होकर के पूरी दुनिया में अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान की रक्षा कर सकते हैं, तो हम हिंदुओं को भी एकजुट होकर के अपने 100 करोड़ से अधिक हिंदुस्तानियों की और जो पूरी दुनिया में हमारे करोड़ों हिंदू जो अल्पसंख्यक हैं अलग अलग देशों में, वो भी करोड़ों की संख्या में, उनकी भी हमें रक्षा करने के लिए संगठित रहना पड़ेगा, प्रतिबद्ध रहना पड़ेगा और पूरी ताकत के साथ राजनीतिक तौर पर, राष्ट्रीय तौर पर और वैश्विक तौर पर उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए? सरकार को यदि जरूरत होगी तो हस्तक्षेप भी करेगी, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री
वो एक बहुत बड़ी शख्सियत है और हिंदुओं की रक्षा कैसे करनी होती है उसको वो जानते हैं और उन्होंने की है।